हेलो क्रैशर्स ये चल रही है क्रैशिप की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी के इंक्लूडिंग द एडिशनल एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है तो आज का हमारा टॉपिक है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे मेरा नाम विकांत किरार है मैंने आई टी खड़कों से मैकेनिकल इंजीनियर किया और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्रैशअप के सभी वीडियोस हमेशा फ्री रहने वाले हैं लेकिन इन वीडियोस को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है पर सभी तक फ्री एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करें डोनेट करें और इस क्यू कोड को आप स्कैन कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसको स्कैन कर सकते हो इट विल हेल्प मी क्रिएट मोर सच कॉन्टेंट और आई थिंक आपकी डोनेशन का मेरे को डायरेक्टली हेल्प मिलेगी और आने वाली कई जनरेशन तक बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में आप इम्पैक्ट ला रहे होंगे तो प्लीज सपोर्ट कैशअप प्लीज डोनेट सर्कुलर कॉल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड टर्न्स ईच ऑफ रेडियस एट सेंटीमीटर कैरीज अ करेंट ऑफ फोर पॉइंट फोर एम्पियर वट इज द मैग्निट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द कॉयल स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से अगर कोई कॉइल होती है तो उसके सेंटर में जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधे सीधे b इज इक्वल टू म्यूनॉट की वैल्यू होती है फोर पाई इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन करंट की वैल्यू है पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय टू इंटू रेडियस की वैल्यू है पॉइंट जीरो एट मीटर इसको हमें ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है ये एक टर्न के कारण है ऐसे हमारे पास हंड्रेड टर्न है तो हमें इसको हंड्रेड से भी मल्टीप्लाई करना होगा और इसी को आप कैलकुलेट करोगे न्यूमेरिकली तो आंसर आता है माइनस फोर टेस्ट अलॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ थर्टी फाइव एम्पियर वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट ट्वेंटी सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर तो कैसे सॉल्व करोगे देखो इसमें लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो आप इसको इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर मानो तभी हमारा ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा और हमें यही सॉल्व करना होगा यहाँ पर देखो B की वैल्यू आ जाती है म्यूनॉट का हम सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यूज रखते जाएंगे म्यूनॉट की वैल्यू होगी फोर पाए इंटू टेन डिस्ट व माइनस सेवन करंट की वैल्यू है थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय टू पाए इंटू डिस्टेंस ये वाला जो डिस्टेंस है वो है ट्वेंटी सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये पॉइंट टू मीटर आ जाता है यहाँ से वैल्यू घट जाएगी टू और इसका आंसर आ जाएगा थ्री पॉइंट फाइव इन टू टेन रिस्ट पर माइनस फाइव टेस्ट अलॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरी इज अ कैरीट ऑफ फिफ्टी एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन तो पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं ये हमारा नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है स्टैंडर्ड जो हम बनाते हैं किसी भी मैप में भी इसी तरीके से डायरेक्शन आपको मिलेंगे नॉर्थ टू साउथ हमारे पास इस तरीके से करंट इस डायरेक्शन में है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट टू पॉइंट फाइव मीटर ऑफ द वायर ईस्ट में यहाँ से ईस्ट यानी इस तरफ हमारे पास पॉइंट है तो डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे राइट हैंड रूल से हम इस तरीके से देख सकते हैं हमारे पास करंट किस तरफ है नॉर्थ टू साउथ तो मैं करंट को यहाँ मार्क कर देता हूँ ये है हमारा करंट आई और यहाँ से ईस्ट में हमारे पास टू पॉइंट फाइव मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है तो देखो यहाँ पे अपने राइट हैंड रूल को लेके ऐसे करके बनाने की कोशिश करो राइट right हैंड ऐसे आता है तो यहाँ पर हमें दिखता है इस साइड में पॉइंट आउटसाइड द प्लेन होगा यहाँ पर है ना तो यहाँ पर आउटसाइड द प्लेन आते हुए हमें दिखेगा और इस तरफ होता तो वो इन टू द प्लेन होता अच्छा अगर ये हमारा ईस्ट है ये नॉर्थ है ये साउथ है ये वेस्ट है तो यहाँ पर ये यह आउटसाइड वाला जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली अपवर्ड डायरेक्शन होगा अपने हाथ पास देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ ये डायरेक्शन है तो इसको हम लिख देंगे वर्टिकली अपवर्ड मैग्नीट्यूड की बात है तो वो हो जाता है सीधे सीधे फॉर्मूला से हम रखते जाएंगे वैल्यूज मीन ऑट की वैल्यू हो जाती है फोर पाए इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सेवन करेंट की वैल्यू हमें दी हुई है फिफ्टी एम डिवाइडेड बाई टू पाए और डिस्टेंस की वैल्यू है टू पॉइंट फाइव यहाँ पर ये कट जाता है टू टाइम्स और ये कट जाता है टू ज़ीरो टाइम्स इसकी वैल्यू आ जाती है फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस सिक्स टेस्ला वर्टिकली अपवर्ड्स A horizontal overhead power line carries a current of 90 ampere in east to west direction. Okay, तो हमारे पास east to west direction ऐसे में वो current जा रहा है. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 meter below the line? तो यहाँ पर हमें बात करनी है. तो एक्चुअली ये वाले direction हमारे किसी काम के लिए हम ऐसा कुछ बनाते हैं. देखो, ये side है हमारी east, ये side है हमारी west. वो जो उधर की तरफ है वो है नॉर्थ ये इस तरफ है वो है साउथ तो हम इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और नॉर्थ फेसिंग मेरा चेहरा है तो मेरे को देखो इस तरीके से वो दिखाई देगा इस तरफ ईस्ट है इस तरफ वेस्ट है तो हमारा जो करंट है करंट का डायरेक्शन ये आ गया यहाँ पर अभी हमारे राइट हैंड रूल्स है अपना राइट हैंड लो इस तरीके से और ऐसे करके देखो तो आपको एक्चुअली ऐसे करके देखना पड़ेगा आ, मेरा हाथ ज़्यादा ना, ना फ्लेक्सीबल नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हमें इस वायर के नीचे के किसी पॉइंट पर देखना है इस वायर के नीचे के किसी पॉइंट पर तो आउट ऑफ द प्लेन आता हुआ हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दिखेगा आउटसाइड आता हुआ अच्छा ये था हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से बाहर आ रहा है यानी कि वो टुवर्ड्स साउथ आ रहा है हम डायरेक्शन लिख देंगे टुवर्ड्स साउथ अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे इसको हम मान लेंगे एक लॉन्ग इन्फाइनाइट वायर है ये तार इस तरीके से लटकता हुआ मैंने बना दिया एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से तो हमें स्ट्रेट वायर मानना है इसको जो कि काफ़ी लंबा है तो यहाँ से ये यह जो डिस्टेंस है वो डी उसकी वैल्यू दी हुई है वन पॉइंट फाइव मीटर सारी की सारी वैल्यूज रखते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है बी इज इक्वल टू म्यूनॉट की वैल्यू होती है फोर पाए इंटू टेन इज और माइनस सेवन करेंट की वैल्यू दी हुई है हमें नाइनटी एम्पेयर डिवाइडेड बाई टू पाए हमारे पास है और डिस्टेंस की वैल्यू है वन पॉइंट फाइव ये कट जाएगा यहाँ पर टू और ये कट जाएगा हमारे पास सिक्सटी इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आप देखोगे जाता an so, है वन ट्वेंटी इंटू टेन लिस्ट पर माइनस सेवन या फिर वन पॉइंट टू इंटू टेन लिस्ट पर माइनस फाइव टेस्ला डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ वॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करेंट ऑफ एट हम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विदेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 पॉइंट तो फाइव टेस्ला हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर हमारे पास एक वायर है इस तरीके से वायर हो सकता है जिसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ है उसकी वैल्यू है थर्टी डिग्री इसमें एट एम्पियर का करंट है वो करंट ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कोई भी डायरेक्शन में आप मान सकते हो उसकी वैल्यू ये हमने मान लिया थर्टी एम्पियर हमें बताना है फोर्स कितना लग रहा होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ की हमें बात करनी है तो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू आई इन टू एल क्रॉस बी यहाँ पर फोर्स वेक्टर है अच्छा इसकी वैल्यू आप देखोगे तो फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू एल बी साइन थीटा जहाँ पर ये एल वेक्टर अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड ये है उन दोनों के बीच में एंगल कितना है थर्टी डिग्री तो यहाँ पर साइन थर्टी डिग्री वैल्यू आने वाली है हमसे पूछा है एफ बाय एल फोर्स पर यूनिट लेंथ उसकी वैल्यू आ जाती है आई बी साइन थीटा जिसकी वैल्यू आ जाती है करंट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है एट एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड के लिए पॉइंट वन फाइव और साइन थर्टी की वैल्यू होती है हाफ साइन थर्टी इज हाफ तो यहाँ से वैल्यू आ जाती है पॉइंट सिक्स न्यूटन पर मीटर और यही हमारा आंसर है लेकिन इसमें अभी तक हमने डायरेक्शन नहीं पता किया डायरेक्शन कैसे पता करोगे मान लो यहाँ पर इस दिशा में जो करंट है आप उसको मोल लो यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज था वो इस तरफ जाता है तो उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये हम पता करने की कोशिश करें अच्छा हमारे पास इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला जो कॉम्पोनेंट होता है वेलोसिटी का उसके कारण ही हमारे पास फोर्स लगता है तो मान लेंगे हमारे पास ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्पोनेंट तो हमारे पास देखो ये राइट हैंड रूल में यहाँ पर आप देखोगे कि इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ उसकी वेलोसिटी है तो फोर्स लग जाएगा किधर लग रहा है आप वहाँ पे देखोगे आप करके देख लो ये चीज़ आपको इनसाइड द प्लेन आते हुए दिखेगा ऐसे है ना ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास उसकी वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है फोर्स इस तरीके से इनसाइड द प्लेन लगता है और वही हमारा आंसर हो जाएगा इसको लिख लेते हैं पेन गिर गया वैसे मेरा इनसाइड द प्लेन अ थ्री सेंटीमीटर वायर कैरिंग ए करंट ऑफ टेन एम्पियर इस प्लेस इनसाइड साइड इज परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ओके परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस मतलब अगर यहाँ पर ये यह जो सोलेनोइड की एक्सेस है तो इसी डायरेक्शन में मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है इसके परपेंडिकुलर रख दिया है, है ना द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड इज गिवन टू बी पॉइंट टू सेवन टेस्ला जो कि यूनिफॉर्म होता है वॉट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और करेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स होगा वो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ट हो जाएगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा इसकी वैल्यू जाएगी देखो पॉइंट टू सेवन टेस्ला मल्टीप्लाइड बाई टेन एम्पियर लेंथ की वैल्यू है थ्री सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट जीरो थ्री मीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वो जो वायर है वो ऐसे है ऐसे है ऐसे है कैसे भी है लेकिन वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाती है एट पॉइंट वन इन टू टेन एज पावर माइनस न्यूटन और यही हमारा आंसर है टू लॉन्ग एंड पैनल स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी कैरिंग करेंट्स ऑफ एट एम्पियर एंड फाइव एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ फोर सेंटीमीटर एस्टिमेट द फोर्स ऑन द टेन सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए तो ये हमारे पास वायर ए ये हमारे पास वायर बी इसमें है करंट आई ए इसमें है करंट आई बी और वायर एक एक टेन सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे सेक्शन लिया उस पर फोर्स लगाना है कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है पहली बात तो हम जानते हैं कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है फिर भी अभी फोर्स का डायरेक्शन देख लेंगे अच्छा सिर्फ इस लेंथ की मैं बात करूँ तो उस पर फोर्स कितना लगने वाला है फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी आई एल क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा इस पॉइंट पर वो वाला हो जाएगा हमारा आउटसाइड द प्लेन यहाँ पर है ना देखो आप राइट हैंड रूल से अंगूठा इस तरफ है यहाँ पर आउटसाइड द प्लेन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो यहाँ पर आउटसाइड द फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड है करंट में हम लिखेंगे करंट ऑफ वायर ए और लेंथ हमारे पास टेन सेंटीमीटर है अच्छा बी की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट पर इस वाले वायर के कारण जो कि इन्फाइनटली लॉन्ग दोनों वायर हैं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यूनॉट आई ए टू पाई डी यहाँ पर करंट यूज़ होगा बी का क्योंकि बी के कारण इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी म्यूनॉट आई बी डिवाइडेड बाय टू बाई डी मल्टीप्लाइड आई ए इंटू लेंथ एल और यही हमारा फॉर्मूला है सारी सारी वैल्यूज जल्दी जल्दी रखते जाते हैं इसमें वैल्यू आ जाएगी मे नॉट की जगह लिखेंगे में फोर पाए इन टू टेन रेस्पर माइनस सेवन दोनों करंट की वैल्यू है एट एक की वैल्यू है फाइव लेंथ है पॉइंट वन टेन सेंटीमीटर को लिखेंगे पॉइंट वन डिवाइडेड बाय टू पाए इन टू दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है फोर सेंटीमीटर तो जीरो फोर पॉइंट जीरो फोर सब ऐसा यूनिट में आ गया यहाँ पर ये वैल्यू कट जाती है टू टाइम्स ये कट जाता है टू हंड्रेड टाइम्स और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है टू इंटू टेन रे सुपॉर माइनस फाइव न्यूटन अच्छा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और यहाँ पर आप वो लगा सकते हो हमारा पाम रूल राइट हैंड पाम रूल आप ऐसे एज्यूम करो कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ जा रहा है ना इफेक्टिवली वही हो गया हमारा करंट पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जाते हुए तो अगर पॉजिटिव चार्ज उस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ यानी ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ बाहर आ रहा है प्लेन में ऊपर की तरफ हमारे पास Uh, उसका वेलोसिटी है तो फोर्स लगेगा इस तरफ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्स इस तरफ लग जाएगा टूवर्ड्स द वायर लग जाएगा हम लिख देंगे टूवर्ड्स वायर बी और यही हमारा आंसर है अ क्लोजली वूड सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज फाइव लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स ईच द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर इफ द करेंट कैरीड इज एट एम्पेयर एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलिनॉइड नियर इट्स सेंटर इसका सीधे सीधा हमारे पास फॉमूला होता है सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू आ जाती है बी इज इक्वल टू म्यूनॉट एन आई अच्छा म्यूनॉट की वैल्यू कितनी है फोर पाई इंटू टेन रेश माइनस सेवन एन की वैल्यू कितनी है एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्नस पर यूनिट लेंथ तो नंबर ऑफ टर्नस टोटल कितनी है फोर हंड्रेड डिवाइड करो आप उसको कितनी उसकी लेंथ थी एटी सेंटीमीटर लॉन्ग तो उसको पॉइंट एट मीटर में लिख दूंगा लेकिन ऐसी एक लेयर नहीं है एक लेयर के ऊपर फिर दूसरी लेयर लगाई फिर तीसरी लेयर लगाई चौथी लेयर तो ऐसे हमारे पास पांच लेयर लगी तो उसको हम फाइव से भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट right. और इसके बाद यहाँ पर करंट है हमारे पास एट एमपियर बस इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी है और ये जो सॉलिनॉइड का डायमीटर है वो एक्चुअली हमारे किसी काम नहीं आने वाला

and the normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field of 0.8 Tesla to yahan तो यहाँ hai सिचुएशन है क्या मान लो हम dekh से देख रहे हैं है ना तो यहाँ पर इस पॉइंट से वो लटकी हुई है और वो कॉयल एक्चुअली कुछ ऐसी होगी पर उसका हमें टॉप से देखेंगे तो सिर्फ वो एक लाइन की तरह दिखाई देगी कॉयल ऐसे लटकी हुई ऊपर से देखोगे तो बस एक लाइन दिखाई देगी दिखा और उसका जो एरिया के परपेंडिकुलर वाला जो एक मान लो वैक्टर है जो एक्चुअली एरिया वैक्टर होता है हमारा वो थर्टी डिग्री पर है मैग्नेटिक फील्ड से और हमें यही एंगल का काम होता है इस वाले फॉर्मूले में तो सीधे सीधे देखो इस पर जो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखो फॉर्मूला है बी आई एन ए थीटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है पॉइंट एट टसला करंट की वैल्यू है ट्वेल्व एमपियर नंबर ऑफ टर्नस हैं ट्वेंटी एरिया की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारे पास स्क्वेयर कॉयल है जिसकी साइड है टेन सेंटीमीटर तो उसका स्क्वेयर कर देंगे हम तो पॉइंट वन का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ऐसे यूनिट में हमें आंसर्स चाहिए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ क्या एंगल है यहाँ पर इस तरीके से थर्टी डिग्री अगर आप इसको इस डायरेक्शन में लेते तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है और साइन थीटा का मैग्नीट्यूड उतना ही होता नेगेटिव हो जाता भले ही वो पर मैग्नीट्यूड उतना ही आता तो हम यहाँ पर साइन थर्टी ही यूज कर लेंगे इसको न्यूमेरिकली आप कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू आती है पॉइंट नाइन सिक्स न्यूटन मीटर टू मूविंग कॉयल मीटर्स एम वन एंड एम टू हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हमारे पास आर वन एन वन ए वन बी वन दिया हुआ है आर टू एन टू ए टू बी टू दिया हुआ है किसी भी मूविंग कॉयल के एलम मीटर या मूविंग कॉयल मीटर उसको हम बस बोल देंगे दोनों ही केस में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट आर आइडेंटिकल है ना ये हमें दिया हुआ है डिटर्मिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर एम टू एंड एम वन एक एम वन के लिए ही करंट और वोल्टेज की अगर हम रेशियो कर दें इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आ जाती है सिर्फ रेजिस्टेंस की है ना तो वो नहीं करना है हमें दिस डिवाइडेड बाय दिस ऑफ द सेकंड मीटर ये करना है ठीक है तो पहले हम देख लेते हैं करंट सेंसिटिविटी ए करंट सेंसिटिविटी यानी एस आई सेंसिटिविटी ऑफ करंट फॉर हमारा जो वन है डिवाइडेड बाय एस आई ऑफ टू ऐसा करना है क्या नहीं हमें पहले एम टू लिखा है तो ऊपर आएगा हमारा टू ऊपर है टू नीचे है वन एस आईड टू की वैल्यू क्या हो जाती है करंट सेंसिटिविटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है एन ए बी अपॉन के बी होता है जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें पर्मानेंट बना हुआ है ए एरिया ऑफ द कॉयल एन नंबर ऑफ टर्न्स और के होता है जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो उसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो री टॉर्क क्रिएट करती है तो ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एन टू ए टू बी टू अपॉन के टू डिवाइडेड बाय एन वन ए वन बी वन अपॉन के वन अच्छा बोला हुआ है कि दोनों में जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है यानी के वन के टू की वैल्यू बराबर है इन दोनों को तो एज इट इज़ कट कर दो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एन टू ए टू बी टू वैल्यूज रखना शुरू करते हैं एन टू की वैल्यू है फोर्टी टू ए टू की वैल्यू है वन पॉइंट एट इंटू टेन रिस्टू पॉवर माइनस थ्री और बी टू की वैल्यू है पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय एन वन की वैल्यू है थर्टी मल्टीप्लाइड बाई ए वन की वैल्यू है थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिस्ट पाइनस थ्री इन पॉइंट टू फाइव और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी वन पॉइंट फोर यही हमारा आंसर है पार्ट ए का कमिंग टू द पार्ट बी हमें पता करना है सेंसिविटी ऑफ वोल्टेज फॉर टू डिवाइडेड बाई सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टेज फॉर वन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है एन ए बी अपॉन के और वन बाई आर यहाँ पर है तो हम लिख देंगे एन टू ए टू बी टू डिवाइडेड बाय के टू आर टू अपॉन एन वन ए वन बी वन अपॉन के वन आर वन अगेन के टू के वन सेम है तो वो कट जाएंगे और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जिसकी मैग्नीट्यूड आ जाता है वन पॉइंट फोर इसी को मैं लिख दूंगा वन पॉइंट फोर मल्टीप्लाइड बाय आर वन अपॉन आर टू जिसकी वैल्यू आ जाती है वन पॉइंट फोर इंटू टेन डिवाइडेड बाय फोर्टीन यानी कि वन और यही हमारा आंसर है

यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आया उसकी कुछ वेलोसिटी है यहाँ पर तो पहले बताओ उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा हम राइट हैंड पाम रूल लगा लेते हैं हमारे पास देखो मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन है ऐसे अंदर की तरफ विलासिटी है इस तरफ तो इसको मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा राइट हैंड से लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो एक्चुअली मैं वेलोसिटी में उल्टा वाला कंपोनेंट उल्टे डायरेक्शन में मान लूंगा है ना अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा होता तो मैं कैसे रखता कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है तो फिर हमारे पास फोर्स ये पाम की तरफ ऊपर आ जाता है लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंटू द प्लेन और इस दिशा में हम उल्टी वेलोसिटी मानेंगे क्योंकि चार्ज एक्चुअली हमारा नेगेटिव है तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ इस दिशा में हमारे पास फोर्स आ जाता है अच्छा आप देखोगे कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है फोर्स यानी ये फोर्स सेंटिविटल फोर्स की तरह काम करेगा ये उसकी वेलोसिटी को बढ़ा नहीं सकता कम नहीं कर सकता सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है मैग्नीट्यूड के साथ कोई छिड़खानी नहीं हो सकती तो वो यहाँ से इस तरीके से घूमेगा सर्कुलर मोशन थोड़ी देर करेगा फिर मान लो इस पॉइंट पे हम आ चुके हैं यहाँ पर अब हमारे पास इस दिशा में वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही है तो आप देखोगे कि फोर्स इस पर वेक्टर ऐसे आ जाता है ट्राई कर लेना राइट हैंड पाम रूल से किस तरफ आता है और आप देखोगे कि यहाँ पर फिर उसको ऐसे पूरा घूमना ही पड़ेगा अगर हम अज्यूम करें यहाँ पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अगर पूरे में होता तो वो पहले ही घूम जाता लेकिन अब आ गया पूरे में तो वो ऐसे पूरे में गोल 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 घूमता रहेगा क्या हम इसका रेडियस बता सकते हैं हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं देखो हमारे पास जो फोर्स लगता है क्यू वी बी उसी की वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर यहाँ पर देखो वी से वी स्क्वायर का कट जाता है वैल्यू आ जाती है रेडियस इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी सारी की सारी वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाती है मास इज इक्वल टू नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेसुपा माइनस थर्टी वन किलोग्राम विलोसिटीज़ फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेसिपावर सिक्स नीचे डिनोमिनेटर में चार्ज की वैल्यू है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेसिपावर माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा मैग्नेटिक uh, फील्ड है सिक्स पॉइंट फाइव जी यानी कि सिक्स पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस्टू पावर माइनस फोर टेस्ला इसको आप कैलकुलेट करो किया जाता है फोर पॉइंट टू सेंटीमीटर और यही हमारा आंसर है इन एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन वन यानि पिछला क्वेश्चन ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लीज एक्सप्लेन तो इसको चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आती है फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में वो कितने गोल गोल चक्कर लगा लेता है क्योंकि हमने ये देख लिया था पिछले एक्सरसाइज चैप्टर में पिछली एक्सरसाइज में कि वो सर्कल में चक्कर लगा रहा था एक सेकंड में कितनी बार चक्कर लगाता है ये चीज़ चेक करते हैं वो चेक करने के लिए सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम ओमेगा वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे ओमेगा क्या होता है किसी भी पार्टिकल के लिए वो होती है विलॉसिटी डिवाइडेड बाय उसका जो भी रेडियस होता है मान लो ऐसे सर्कल में घूम रहा है इसका ये रेडियस है हमारे पास विलॉसिटी है हमारे पास क्या होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वहीं से आ गया ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर यहाँ पर विलोसिटी तो एज इट इज रह जाएगी रेडियस का हमने फॉर्मूला क्या देखा था वो होता है एम वी अपॉन क्यू बी यहाँ पर वी से वी कट जाता है और वैल्यू आ जाती है क्यू बी अपॉन एम और हम देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड आ गया है अब हमें पता करना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है एक सेकंड में वो कितने बार चक्कर लगा लेता है तो हमें फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच का एक रिलेशन पता है क्या होता है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ हमारे पास होता है यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपॉन टू पाए विच इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाए एम सारी की सारी वैल्यूज रखने की शुरू कोशिश करेंगे चार्ज की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेसूपर माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाई बी की वैल्यू हमें दी हुई थी सिक्स पॉइंट फाइव गॉर्स यानी कि माइनस फोर टेस्ला डिवाइडेड बाय टू पाए और मास की वैल्यू होती है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रेसूपर माइनस थर्टी वन किलोग्राम विच इज इक्वल टू वन एट पॉइंट वन एट इन टू टेन 6 और सिक्स रेवोल्यूशन पर सेकेंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड क्यों लिखा हमने क्या कैलकुलेट किया गया एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर को हम क्या बोलेंगे रेवोल्यूशन इसलिए यहाँ पे यूनिट आ जाती है रेवोल्यूशन पर सेकंड अच्छा इसी को आप क्या लिख सकते हो ये है हमारे पास सुपर तो मेगा मिलियन तो हम इसको लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एटीन पॉइंट टू मेगा हर्ट तो ये एक्चुअली रेवोल्यूशन पर सेकेंड मत लिखो आप इसको देखो पर सेकेंड कितने चक्कर फ्रीक्वेंसी में चक्कर ही होते हैं वैसे कितने पर सेकेंड वन एट पॉइंट टू और यही हमारा आंसर है अ सर्कुलर कॉयर ऑफ थर्टी टर्न एंड रेडियस एट सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ सिक्स एम्पियर इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड वन टेस्ला तो मेरे पास यहाँ पर उसको कैसे लटकाया गया सस्पेंडेड वर्टिकली ऊपर से ऐसे लटका दिया गया तो अगर मैं ऊपर से देखूँ तो अब वो ऐसे ऐसे कहीं तो घूम सकती है तो उसका कुछ एंगल होगा मान लो इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो या तो वो ऐसे होगी ऐसे होगी ऐसे होगी किसी भी तरीके से हो सकती है राइट उसका जो डायरेक्शन uh, का वेक्टर होता है या तो इधर होगा इधर होगा इधर होगा कहीं भी वो हो सकता है इसको हमें विजुलाइज करना पड़ेगा द फील्ड लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉल तो अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं उसको ऊपर से तो देखो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारे पास वो कॉयल थी जिसको थ्री डायमेंशन में वो ऐसी कॉइल होगी और उसके एरिया वैक्टर का ऐसे डायरेक्शन हमने बनाया हुआ है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉयल फ्रॉम टर्निंग तो इस पर टॉर्क कैसे लगेगा देखो अगर ये कॉयल है तो उसमें कुछ करंट है उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है और एरिया वेक्टर के अलाग ही उसका हो जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर हमने सुटेबली उसका करंट का डायरेक्शन इस तरीके से हम पता कर सकते हैं और ऐसे करंट घूम रहा है तो इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा अब ये है इस तरफ और हमें पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर टॉर्क लगता है इस तरीके से कि वो अलाइन करना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ तो उस पर इस दिशा में टॉर्क लग रहा है टॉर्क का मैग्नीट्यूड तो हम पता कर लेंगे लेकिन काउंटर टॉर्क उस पर उतना ही लगाना पड़ेगा नहीं तो ये इस तरफ घूम जाएगा तो हमें जितना टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क आ रहा है उतना ही हमें काउंटर टॉर्क भी लगाना पड़ेगा तो हमें इफेक्टिवली पता क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क जिसकी वैल्यू होती है एम क्रॉस बी एम क्या होता है हमारे पास आ, जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा उसका उसकी वैल्यू हो जाती है आई एन ए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा थीटा कौन सा एंगल मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल सिक्सटी डिग्री है ये अगर वो उल्टे डायरेक्शन में होता तो भी हमारे पास आप फिर वो साइन थीटा कर दे तो वैल्यू न्यूमेरिकली उतनी आती पर नेगेटिव आ जाती है ना ठीक है यहां पर इसको सॉल्व करोगे आंसर आता है हमारे पास करंट की वैल्यू रख दूंगा मैं सिक्स नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू है थर्टी एरिया की वैल्यू है पाई इंटू पॉइंट जीरो एट का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वन टेस्ला ला मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ सिक्सटी डिग्री सारी की सारी वैल्यूज रख दोगे तो आ जाएगा थ्री थ्री न्यूटन मीटर और इतना ही हमें काउंटर टॉर्क चाहिए होगा पार्ट बी वुड योर आंसर चेंज इफ सर्कुलर कॉयल इन ए वो रिप्लेस्ड बाय ए प्लेनर कॉयल ऑफ सम इेगुलर शेप दैट इंक्लोजेज द सेम एरिया तो हमारा आंसर एक्चुअली चेंज नहीं होगा क्योंकि टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है एम क्रॉस बी और एम की वैल्यू में जो आई एन ए होता है इसमें सिर्फ हमें एरिया देखना होता है एरिया का डायरेक्शन भी हमें देखना होता है लेकिन एरिया किस तरीके से बना वो सर्कुलर है या वो स्क्वेयर है या कोई और अजीब सा इस तरीके से वो शेप है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमारे पास आंसर जाएगा पार्ट बी का नो टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी इज इक्वल टू एन आई एरिया क्रॉस बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द एरिया इसी के साथ सारी की सारी एक्सरसाइज हो गई अब बारी है एडिशनल एक्सरसाइजेस की टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉय्स एक्स एंड वाई ऑफ रेडिया सिक्सटीन सेंटीमीटर एंड टेन सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली लाई इन द सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ये आ गया हमारा डायरेक्शन और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन उसका प्लेन जो है ना इसमें वो है और कंसेंट्रिक है ना नॉर्थ साउथ मान लो ये नॉर्थ साउथ प्लेन है तो इसी में दोनों हमारे पास रिंग आएंगी तो उनमें उनका जो एक्सेस होगा वो ईस्ट वेस्ट की तरफ हो जाने वाला है इसमें कोई शक नहीं है कॉयल एक्स हैज़ ट्वेंटी टर्नस एंड कैरीज अ करेंट ऑफ सिक्सटीन एम्पियर एक्स यानी कि ट्वेंटी है में सिक्सटीन सेंटीमीटर उसका रेडियस सिक्सटीन सेंटीमीटर हमने बनाया हुआ है एंड कॉयल वाई हैज़ ट्वेंटी फाइव टर्न्नस एंड कैरीज करंट ऑफ एटीन एम्पियर इसमें ट्वेंटी फाइव टर्नस है एटीन एम्पियर छोटी वाली जो है द सेंस ऑफ करेंट इन एक्स इज़ एंटी क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज इन वाई एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द coils फेसिंग वेस्ट तो ये बहुत ही ट्रिकी है जैसे अगर एक कॉल यहाँ पे ऐसे घूम रही है, है ना तो अगर आप एक तरफ से देखते हो जैसे मैं देखूंगा तो ये मुझे दिख रहा है एंटी क्लॉक आपको ये दिखेगी क्लॉक है ना तो अलग अलग तरफ से देखते हैं तो डायरेक्शन बदल जाता है इसीलिए हमें बोला है कि लुकिंग वेस्ट है ना फेसिंग वेस्ट अगर मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं यानी कि मैं ईस्ट में खड़ा हुआ उसके तभी मैं वेस्ट की तरफ देख पा रहा हूँ यहां से मुझे एक में दिखेगा क्लॉकवाइज एक में दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज द सेंस ऑफ करंट इन एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज एक्स कौन सी है बाहर वाली यहां से ये यह देख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बेसिकली यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा होगा फिर इस एक्सिस के पीछे से ऐसे आ रहा है तब वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखने वाला है तो करंट मार्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस तरीके से दूसरी वाली का इसका एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट हो जाएगा तो इस तरीके से आ जाता है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉल्स एट देयर सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा इस कॉयल के कारण और इस कॉयल के कारण दोनों के कारण जो भी होता है वो हो जाएगा और दोनों का वेक्टर एडिशन करना है हमें और क्योंकि देखो इनका रोटेशन अलग अलग है अगर मैं बड़ी वाली कॉल के हिसाब से देखूँ यहाँ पर वो इस तरीके से उसमें करंट घूम रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आने वाला है जो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पर हमारे पास आएगा इस दिशा में बी एक्स कैसे पता किया मैंने अपने हाथ को लो ऐसे कर्ल करो जिस दिशा में करंट घूम रहा है ऐसे इसको घुमाओ तो इस दिशा में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा यहाँ पर करंट घूम रहा है ऐसे है ना तो ये इस तरफ हमारे पास आ जाएगा आप अपने हिसाब से करके देखो ये आपको यहाँ पे शायद उल्टा देखिए ऐसे आ रहा है ना करंट तो ये इधर जाएगा दूसरा इसके कारण जो ब्राउन वाली रिंग है उसके कारण इस दिशा में करंट घूम रहा है देखो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है तो

डिवाइडेड बाय टू इंटू पॉइंट सिक्स इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आती है फोर पाई इंटू टेन एचपा माइनस फोर टेस्ला सिमिलरली हम बी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बी वाई इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है मैं सीधे न्यूमेरिक वैल्यू रख रहा हूँ फोर पाई इंटू टेन एचपा माइनस सेवन उसमें करंट है हमारे पास एटीन एमपियर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय हमारे पास टू इंटू उसका रेडियस है टेन सेंटीमीटर यानी कि पॉइंट वन मीटर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है नाइन पाए इंटू टेन एज पाइनस फोर टेस्ला हमें दिख रहा है ये वाला बी वाई ज़्यादा बड़ा है ये वाला छोटा है ये है नाइन पाए ये है फोर पाए तो हमारे पास टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है बी नेट इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई दोनों में वैक्टर एडिशन होगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है अगर मैं इस डायरेक्शन को बोल देता हूँ एक्स तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हमें पता है रिजल्ट एंड फाइनल इस तरह बचा है तो मैं इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ है ना इसको वेस्ट बोल देता हूँ इसको पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये हो जाता है बी एक्स ये वाली हो जाएगी माइनस फोर पाए इंटू टेन रिज पावर माइनस फोर टेस्ला प्लस नाइन पाए इंटू टेन एजु पावर माइनस फोर टेस्ला वो विच इज इक्वल टू फाइव पाए इंटू टेन टू पावर माइनस फोर्थ एसला टू वर्ड्स क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव एक्स आएगा ये अगर एक्स है नहीं नहीं हमें देखना देखो यहाँ पर डायरेक्शन दिखाए तो दिस इज टुवर्ड्स तो वेस्ट यहाँ पर हम लिख देंगे और आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी कर सकते हो पाई की वैल्यू रखोगे तो यह आ जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इज पॉल माइनस थ्री टेस्ला और यही हमारा आंसर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हंड्रेड गॉस इज रिक्वायर्ड विच इज यूनिफॉर्म इन अ रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट टेन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट टेन इजार माइनस थ्री स्क्वेयर मीटर द मैक्सिमम करंट कैरियर कपैसिटी ऑफ ए गिवन कॉयल ऑफ वायर इज फिफ्टीन एम्पियर एंड द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वून्ड अराउंड अ कोर इज एटमोस्ट थाउजेंड टर्न्स पर मीटर सजेस्ट सम अप्रोप्रियट डिजाइन पर्टिकुलर ऑफ ए सॉलेट ऑफ द रिक्वायर्ड परपज एज्यूम द कोर इज नॉट फेरो मैग्नेटिक तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज करना है वो बी की वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट एन आई अच्छा करंट की हमें एक मैक्सिमम वैल्यू दी होगी कि पंद्रह एमपियर से ज्यादा नहीं हो सकता एन की एक मैक्सिमम वैल्यू है कि वो थाउजेंड टर्न्स पर मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती म्यूनॉट एक कांस्टेंट है तो यहाँ पर बी की भी एक मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू हो नहीं सकती और अगर आप यही वैल्यू डाल दोगे यहाँ डाल दोगे हंड्रेड 100, थाउजेंड यहाँ पर डाल दोगे फिफ्टी नई तो मैं एक्चुअली चेक कर लेता हूँ कि बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है म्यूनॉट की वैल्यू है फोर पाए इन टू टेन रिश्व पावर माइनस सेवन एन की वैल्यू है थाउजेंड आई की वैल्यू है फिफ्टीन और इसकी वैल्यू आ जाती है वन पॉइंट एट एट इंटू टेन रिजपर माइनस टू टेस्ला बी नीडेड कितना है जो जरूरत है हमें वो है हंड्रेड जी या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं वन इंटू टेन रिजर माइनस टू टेस्ला हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो जरूरत है उससे ज्यादा पड़ा है तो हमें एक वैल्यू कम करनी पड़ेगी या तो हम करंट की वैल्यू कम करें या फिर हम नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू कम करें बताओ किसकी वैल्यू कम करें आपको क्या लगता है मेरे हिसाब से यहां पर हमें करंट की वैल्यू कम कर लेनी चाहिए है ना तो करेंट कम रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए या फिर आपको बनाने में सस्ती चाहिए सस्ता आप सस्ते में बना देना है तो आप एन की वैल्यू कम कर दो कम आपकी इनिशियल कॉस्ट लगेगी क्योंकि कम तार का इस्तेमाल होगा लेकिन रनिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी शायद है ना तो इस तरीके से बहुत सारे आंसर आ सकते हैं आप उनको इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को एक चूज़ करनी पड़ेगी तो मेरे केस में मैं यहाँ पर एन की वैल्यू थाउजेंड ले रहा हूँ तो हमारे पास बी की वैल्यू देखो आ जाता है वन इन टू टेन इंस टू माइनस टू हमें चाहिए था म्यूनॉट की वैल्यू है फोर पाई इन टू टेन इशर माइनस सेवन एन की वैल्यू हमने ले ली है थाउजेंड आई की वैल्यू हम पता कर लेते हैं कितना चाहिए होगा तो यहाँ से आई की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे वो आ जाती है सेवन पॉइंट नाइन सिक्स हेम्पियर और एन की वैल्यू आ जाती है थाउजेंड दिस इज़ द आंसर हमने अज्यूम क्या किया है यहाँ पर हमारी जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है फॉर्मूला एप्लीकेबल क्यों है क्योंकि हमारी जो सॉलिनॉइड है वो इन्फाइनटली लॉन्ग तो नहीं थी है ना उसकी नंबर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं थी तो इसकी कुछ एक मिनिमम लेंथ फिर भी होनी चाहिए और ऐसे कुछ प्रैक्टिकल पैरामीटर्स होते हैं जब हमें इस छोटे से रीजन में मिलता है लेकिन वो सब हमारे स्कोप से बाहर है तो हमारे लिए काम की तो दो ही चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते एकदम श्योरिटी के साथ वो है एन एंड आई वो हमने पता कर ली

तो उसमें करना हमें कुछ नहीं है एक्स की वैल्यू जीरो रख देनी है पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो और हमारा मैग्नेटिक फील्ड इसी फॉर्मूले में बन जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वेर एन डिवाइडेड बाई टू आर की पावर क्यूब और ये बन जाता है म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई टू आर यही तो हमारा कॉयल के सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है देखते हैं पार्ट बी कंसिडर टू पैरल एक्सीएल सेकुलर कॉयल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर हमारे पास ये देखो दो इक्वल रेडियस आर वाली कॉयल्स हैं एंड नंबर ऑफ टर्नस एंड कैरिंग इक्वल करेंट इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस आर तो ये भी आ रहा था ये भी आर है ये भी आर है इस तरीके से सारी वैल्यूज आ रहा है शो दैट द फील्ड ऑन द एक्सेस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कॉल्स इज यूनिफॉर्म ओवर अ डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू आर एंड इज गिवन बाय दिस मच तो हमारे पास यहाँ पर देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा लेकिन इसके मिड पॉइंट पे और उससे थोड़ा सा आसपास के डिस्टेंस में हमारे पास सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदलता नहीं है तो अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो हम यहाँ तो एक सॉलिनॉड ले लेते हैं सॉलिनॉयड के सेंटर पर यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं लेकिन उसे बना पाना थोड़ा मुश्किल है और उसे बना लिया तो यहाँ पर हम कुछ हाथ पाँव ले जा करके एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते यहाँ पर हमारे पास ऐसी कॉयल है जिनको हम इस सेटअप को हेलमहल्ड्स कॉयल भी बोला जाता है यहाँ पर पर यहाँ पर स्पेस ओपन है आप यहाँ से घुस करके इसे पकड़ सकते हो कुछ और चीज़ें आपको करनी है वहाँ पे कर सकते हो तो ये अलग तरीके से इसके प्रैक्टिकल यूज़ होते हैं लेकिन हमें इस फॉर्मूले का जो पार्ट ए में यूज़ किया है उसकी मदद से बताना है कि यहाँ पे सेंटर में छोटे से डिस्टेंस में छोटी सी लेंथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलती नहीं है सॉल्व करना शुरू करते हैं देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर सेंटर पर तो जो भी वैल्यू हो हमें देखना है यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा और इधर आ गया डी डिस्टेंस पर तो भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आया है तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली बाइनोमिल अप्रोक्सिमेशन का यूज़ करना पड़ेगा कैसे तो यहाँ पर देखो हमें सेंटर से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता है एक बार हम यहाँ पर डिस्टेंस क्या रखेंगे ये वाला डिस्टेंस था हमारा r बाई टू क्योंकि टोटल डिस्टेंस रहा है r. एक बार हम डिस्टेंस रखेंगे r बाई टू प्लस डी दूसरी बार रखेंगे r बाई टू माइनस डी है ना r बाई टू माइनस डी दोनों को ऐड कर देंगे देखते हैं आंसर क्या आता है बारोवील अप्रोक्सीमेशन का यूज करके सॉल्व करना शुरू करते हैं b इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू दिस इज़ इक्वल टू अच्छा बी वन और बी टू का फॉर्मूला तो ये है दोनों के लिए आई आर एन की वैल्यू दोनों सेम है तो इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन इसको मैं कॉमन बाहर निकाल दूंगा तो देखो क्या आ जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई टू मैंने कॉमन निकाल दिया बी वन के लिए यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू जो डिस्टेंस है हो जाएगा आर बाई टू प्लस डी तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वन अपॉन आर बाई टू प्लस डी एस का स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेर एस की पावर थ्री बाय टू प्लस अच्छा यहाँ पर जो भी हमारे पास मान लो इस तरीके से सेम सेंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण भी इधर होगा इसके कारण भी इधर होगा तो दोनों के कारण पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाए अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो मैं यहाँ पर प्लस ही करना है प्लस वन डिवाइडेड बाय नीचे आ जाता है हमारे पास आर बाय टू माइनस डी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर है थ्री बाय टू और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया अब इसको हमें किस फॉर्म में लेके आना है इसमें से देखो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा पावर थ्री बाई टू की जगह हो जाएगी माइनस थ्री बाई टू थोड़ा लिखने में आसान हो जाएगा ये ये बन जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर एन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायेर बाय फोर प्लस डी स्क्वायर प्लस आर डी प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू प्लस आर स्क्वायर बाय फोर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी प्लस आर स्क्वायर इसकी पावर माइनस थ्री बाई टू और यह हमारे पास ब्रैकेट्स आ गए यहाँ पर डी स्क्वेयर की वैल्यू हम जीरो मान लेंगे डी स्क्वेयर की वैल्यू हम जीरो मान लेंगे ऐसा क्यों किया क्योंकि d इज मच मच लेस देन r ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि डिस्टेंस दैट इज़ स्मॉल एज कंपेयर टू r तो स्मॉल है उसका मतलब उसका स्क्वायर तो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा तो इसको हम यहाँ से उड़ा देंगे और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट i r स्क्वेर n डिवाइडेड बाई टू अब ब्रैकेट में बचता क्या है यहाँ पर मैं आर स्क्वेर की वैल्यू भी बाहर लेना चाहता हूँ और राइट और यहाँ पर देखो मेरे पास क्या बच जाता है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई फोर तो ये हो जाएगा फाइव आर स्क्वायर बाई फोर तो ये फाइव आर स्क्वायर बाई फोर इसकी पावर माइनस थ्री बाई टू ये पूरा का पूरा कॉमन इस तरीके से आ गया अंदर क्या बचता है वन प्लस फोर बाय फाइव डी अपॉन आर और इसकी भी पावर है माइनस थ्री बाई टू आप इसको अंदर ले लोगे तो हमारे पास यही आ जाएगा पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हो इसको सिमिलरली सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पर भी ये चीज़ कॉमन बाहर निकल आएगी और हमारे पास यहाँ पर अंदर में बस माइनस आने वाला है प्लस फाइव अपॉन फोर आर स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस फोर बाई फाइव डी अपॉन आर एस की पावर माइनस थ्री बाय ये हमारे पास आ गया अब यहां पर देखो मैं फिर से इसको कॉमन बाहर निकाल सकता हूं और इसकी पावर आप माइनस थ्री बाई टू कर दोगे तो ये बेसिकली इसको रेसिप्रोकल करके इसका अंडर रूट कर दोगे तो ये आ जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वेर एन अपॉन टू एज इट इज आ जाएगा नीचे आ जाएगा फाइव रूट फाइव डिवाइडेड बाय एट इन टू आर ब्रैकेट में ब्रैकेट में हमारे पास ये वाली टर्म है प्लस ये वाली टर्म है अच्छा इस टर्म को देखो इसका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करूँगा तो वन प्लस एक्स की पावर ये है एन तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूंगा वन प्लस एन एक्स इसको मैं लिख दूंगा वन प्लस एन की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री बाई टू एक्स की वैल्यू कितनी है फोर बाई फाइव डी बाय आर बायनोमिल अप्रोक्सीमेशन क्यों कर पाए क्योंकि ये डी बाई आर की वैल्यू वन से बहुत ज़्यादा छोटी है सिमिलरली हमारे पास दूसरी तरफ यहाँ पर भी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन होगा वैल्यू हो जाएगी वन माइनस और ये माइनस देखो इस बार दोनों माइनस माइनस है ना तो ये माइनस थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई माइनस फोर बाय फाइव डी बाई आर तो ये है नेगेटिव में यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हमारी वैल्यूज इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास यहाँ पर बचता है वन प्लस वन तो बेसिकली टू हो जाएगा है ना तो ये वैल्यू आ जाती है एट म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर एन मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई टू इंटू फाइव रूट फाइव आर क्यूब यहाँ पर आर स्क्र से आर क्यूब चला गया टू से ये टू चला गया इसकी वैल्यू आ जाती है एट अपॉन फाइव रूट फाइव म्यू नॉट एन आई और इस एट अपॉन फाइव रूट फाइव इसी की न्यूमेरिक कैलकुलन्स आप करोगे तो वैल्यू आ जाती है पॉइंट सेवन वन सिक्स म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई आर यही हमें प्रूव करना था अटोराइड हैज ए कोर नॉन फेरोमैग्नेटिक ऑफ इनर रेडियस ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर ये हमारे पास इनर रेडियस है ये हमारे पास आउटर रेडियस है अराउंड विच थ्री फाइव जीरो जीरो टर्न ऑफ ए वायर आर व इफ द करेंट इन वायर इज इलेवन एम्पेयर वॉट इज द मैग्नेटिक फील्ड ए आउटसाइड द टोराइट बी इन साइड द कोर ऑफ द टोराइट एंड सी इन द एम टी स्पेस सराउंडेड बाई द टोराइट तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जिसकी वैल्यू जीरो होगी यहाँ पर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की जीरो होगी खाली यहाँ पर हमारे पास इसका जो कोर है जहाँ पर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाती है वो हो जाता है ऑल जो टर्नस है एन डिवाइडेड बाय आर कौन सा रेडियस लोगे अंदर वाला रेडियस लोगे बाहर वाला रेडियस लोगे तो यहाँ पर हम मीन रेडियस ले लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो इसको मैं लिखूंगा एन की वैल्यू है थ्री फाइव जीरो जीरो डिवाइडेड बाय हम कौन सी वैल्यू लेंगे ना पच्चीस ना छब्बीस दोनों के बीच की ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है अभी उसको मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर और हंड्रेड से डिवाइड कर दो या फिर आप इसको लिख दो पॉइंट टू बाई पाइव मीटर लेकिन ये वैल्यू अभी भी गलत है हमको एक्चुअली रेडियस नहीं लेना होता हमको लेना होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो यहाँ पर जो लेंथ है वो लेंथ तो ये वाली लेंथ तो हमें एक्चुअली टू पाई आर लेना होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू पाई आर और यहाँ भी मल्टीप्लाइड होगा टू पाई से इस तरीके से ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एक्चुअली में आ गया है अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है फोर पाए इन टू टेन एच पॉर माइनस सेवन एन की वैल्यू आएगी थ्री फाइव ज़ीरो ज़ीरो डिवाइडेड बाई टू पाए इंटू पॉइंट टू फाइव फाइव करंट की वैल्यू हमें दी हुई है इलेवन एम्पियर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो ये इस तरीके से कट जाएगा यह आ जाता है थ्री पॉइंट जीरो टू इन टू टेन एच पॉ माइनस टू टेस्ला अच्छा एक और चीज़ की ये एवरेज वैल्यू हम इसको बोलते हैं क्यों क्योंकि ये इस वाली लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर आप जो देखोगे नंबर ऑफ टर्न्स तो उतनी तो है लेकिन लेंथ बढ़ गई है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थोड़ा कम हो गया होगा है ना तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक एवरेज वैल्यू आती है पार्ट ए का आंसर इज इक्वल टू पार्ट सी का आंसर विच इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज पार्ट बी का आंसर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फील्ड इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट इज सेटअप इन अ चेंबर तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ कम हो सकता है इस तरीके से वैल्यूज हो सकती है अचार्ज पार्टिकल एंटर्स द चेंबर एंड ट्रेवल्स अनडिफलेक्टेड अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड वॉट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ द पार्टिकल तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल गया है लेकिन वो अनडिफ्लेक्टेड चला गया है यानी उसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं होगा है तो ना यहाँ पे हम एम जी को अभी इग्नोर कर रहे हैं तो हमारे पास जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू इन टू वी क्रॉस बी या फिर मैं लिख सकता हूँ क्यू इन टू वी बी साइन थीटा तो थीटा की वैल्यू या तो ज़ीरो है या वन एटी डिग्री है तो so, वेलोसिटी या तो इस तरफ होगी या इस तरफ होगी हम इसको क्या बोलेंगे या तो पैरेलल होगी या एंटी पैरेलल होगी ये हमारी वेलोसिटी के दो डायरेक्शन आ चुके हैं वेलोसिटी इज आइदर पैरेलल पैरेलल और एंटी टू बी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अचार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो अब मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है डायरेक्शन भी बदल रहा है एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग अ कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्ट्री तो हमारे पास एक्चुअली ऐसे ऐसे कुछ तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड था और यहाँ से पार्टिकल गया तो गया तो उसके ऊपर किसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इधर उधर 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 वो इस तरीके से कुछ तो मूव करके बाहर निकलता है ना उसका पाथ कॉम्प्लिकेटेड है कुछ तो ऐसे पाथ हो सकता है वो कैसे भी निकला तो क्या इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी वुड इट्स फाइनल स्पीड इक्वल टू द इनिशियल स्पीड इफ इट्स सफर्ड नो कॉल्यूजन विद द इन्वायरमेंट तो कहीं उसकी टक्कर नहीं हुई क्या स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी देखो हमारे पास जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी तो इसका मतलब फोर्स हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमें जो वैल्यू मिलती है दिस इज अ वेक्टर दिस इज अनदर वेक्टर दोनों का क्रॉस करते हो तो वेलोसिटी वेक्टर या जो भी फोर्स वेक्टर जो भी वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट में वो हमेशा दोनों कॉम्पोनेंट वैक्टर के परपेंडिकुलर आता है तो हमारे पास फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी तो वो वहां पर उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता वो सिर्फ उसका डायरेक्शन बदल सकता है तो हमारे पास स्पीड हमेशा वही रहने वाली है स्पीड नहीं बदलेगी मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को नहीं बदल पाता है नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर्स अ चेंबर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ इसके ऊपर कोई बता सकता है फोर्स किधर लगेगा ये एक नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक का लग जाएगा ऊपर की तरफ ये है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट स्ट्रेट लाइन पाथ अगेन हम ग्रेविटी को यहाँ पर इग्नोर करके चल रहे हैं अभी हमारे पास इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स इधर ही लगना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ दिस इज our फोर्स मैग्नेटिक एफ बी मैंने उसको लिख दिया अच्छा इस दिशा में मैग्नेटिक फोर्स कैसे लग सकता है इसके लिए देखो हमारे पास राइट हैंड पाम रूल हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर पहले तो तीसरा थर्ड एक्सिस भी मैं बना लेता हूँ वेलोसिटी इस तरफ है इलेक्ट्रॉन की अगर पॉजिटिव कोई चार्ज होता तो उसकी वेलोसिटी इस तरफ होती सेम इक्वलेंट हमें इफेक्ट मिलता देखने को और इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगना है तो हमारे पास देखो राइट हैंड पाम रूल आप लगाओगे फोर्स इस दिशा में जाना है वेलोसिटी इस तरफ है तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप इसको करके भी देख सकते हो अपनी उंगलियाँ लो और उसको इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड रखोगे और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा हो फोर्स नीचे की तरफ ऐसे आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा देखो यहाँ पर ये था हमारा नॉर्थ ये था हमारा साउथ ये है हमारा ईस्ट ये है हमारा वेस्ट तो ये डायरेक्शन होता है हमारा अप साइड ये हो जाता है हमारा डाउनवर्ड हमारा आंसर हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स यही हमारा आंसर एंड इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाई ए हीटेड कैथोड एंड एक्सेलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू किलो वोल्ट एंड टेस रीजन विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फीड ऑफ पॉइंट वन फाइव टेस्ला तो यहाँ पर इस पूरी के पूरी लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास उसको इलेक्ट्रॉन जो निकला था उसको इतनी वोल्टेज से हमने एक्सलेट किया तो उसकी कुछ कानेटिक एनर्जी आ जाएगी कानेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी चार्ज इंटू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस था जिससे एक्सेलेट किया था तो इसको हम कर देंगे हाफ एम वी स्क्वेयर के बराबर तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की आ गई इसका बस इतना ही यूज है तो हम लिख लेते हैं हमारी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू इन टू डेल्टा वी विच इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू है ई पोटेंशियल डिफरेंस है टू थाउजेंड वोल्ट है ना टू किलो वोल्ट यहाँ से वी की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ टू क्यू डेल्टा वी अपॉन एम वैल्यूज आप रखोगे यहाँ पर सारी की सारी अंडर रूट ऑफ टू चार्ज की वैल्यू 1.6 वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिज पावर माइनस नाइनटीन पोटेंशियल ड्रॉप है टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय हमारे पास मास है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन रिज पावर माइनस थर्टी वन सॉल्व करो आंसर आएगा टू पॉइंट सेवन इंटू टेन रिज पावर सेवन मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट टेन परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट क्या यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को कंसिडर किया जाना चाहिए मैं हम तो नहीं करेंगे अभी यहाँ पर राइट डिटर्मिन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ़ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू इट्स इनिशियल विलॉसिटी यानी परपेंडिकुलर है तो अगर हमारे पास विलासिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है जैसे कि यहाँ पर विलॉसिटी है इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा और वो एक सर्कुलर इस तरीके से ऑबिट में घूमता रहेगा पार्ट ए विलॉसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी इसका मतलब सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पाथ क्या हम इसका रेडियस पता कर सकते हैं सर्कुलर पाथ का यस yes, हमारे पास ये जो फोर्स लगा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा तो फोर्स कितना लगता है वो लगता है क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है एम वी अपॉन क्यू बी सारी की सारी वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे आर इज इक्वल टू मास की वैल्यू है नाइन पॉइंट पावर माइनस थर्टी वन आई है टू पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू पावर सेवन डिवाइडेड बाय चार्ज की वैल्यू है माइनस नाइनटीन इन टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है पॉइंट वन फाइव सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा टेन रेस्टू पावर माइनस थ्री मीटर और वन मिली मीटर अब देखते हैं पार्ट बी मेक्स एन एंगल ऑफ थर्टी डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब थर्टी डिग्री के एंगल पर है विद इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी वेलोसिटी एक्चुअली ऐसे नहीं है ये इधर मैग्नेटिक फील्ड तो उसके परपेंटिकुलर नहीं वेलोसिटी एक्चुअली इधर कहीं होगी और ये वाला एंगल है हमारे पास थर्टी डिग्री तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये था मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये हो जाएगी विलासिटी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है ना ये एंगल है थीटा ये हो जाएगा वी कॉस थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा वी साइन थीटा अब देखो वी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया और यही वाला कंपोनेंट होता है जो इसको साइकिल में घुमाता है और ये वी कॉस थीटा उसे इधर ड्रिफ्ट करा देता है तो ये साइकिल में घूमता रहता घूमता रहता लेकिन अब वो इधर भी ड्रिफ्ट हो रहा है तो वो एक्चुअली इस तरीके से हमारे पास एक हेलिकल पाथ आ जाता है तो हमारे पास इसका कुछ रेडियस होगा रेडियस की कैलकुलेशन के लिए हम वी साइन थीटा यूज़ कर लेंगे इस वाले फॉमुले में हमारे पास आर की वैल्यू देखो कुछ आ जाएगी पहली बात तो हम लिख देते हैं हेलिकल पाथ रेडियस आर की वैल्यू आ जाएगी एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी वैल्यूज रख के सॉल्व करेंगे लेकिन एम वी अपॉन क्यू बी ये तो हम यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं वो आ जाता है वन मिलीमीटर वन मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय साइन थर्टी साइन थर्टी कितना होता है वन बाई टू जाता है पॉइंट फाइव मिलीमीटर का हमारे पास रेडियस आ गया इस पाथ का ये वाला जो रेडियस है आर वो आ चुका है पॉइंट फाइव मिलीमीटर अभी भी हमें ये चीज पता करनी है तो ये पिच कैसे पता कर सकते हैं देखो पिच का हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है वी कॉस थीटा है ना इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इस तरफ और ये कितनी देर में ये एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो यानी उसका टाइम पीरियड अगर हमें पता चल रहा है तो टाइम पीरियड से हमें मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड तो वी कॉस थीटा और टाइम पीरियड होता है हमारा टू पाई आर अपॉन वेलोसिटी तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी कॉस थीटा इंटू टू पाए आर की वैल्यू आ गई एम वी अपॉन क्यू बी और नीचे था वी अब ये वी से भी आप यहाँ पर काट दो तो, हमारे पास फॉर्मूला जाता है टू पाई एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी सारी की सारी न्यूमेरिक वैल्यू रख दोगे तो, तो आंसर जाएगा फाइव पॉइंट फोर फोर मिली मीटर तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं पिच किसी भी हेली हेलिकल पाथ की पिच होती है कि हर चक्कर में कितना आप आगे आ चुके हैं ऐसे हमारे जो स्क्रूज कसते हैं वो भी हेलिकल होता है ना थ्रेड उसका उसमें भी पिच होती है और राइट तो ये हमारे पास आ गया क्या मैं इसका इस वेलोसिटी का कंपोनेंट पता कर सकता हूँ लास्ट चीज़ वो और पता कर लेता हूँ वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मैं बोल दूं तो वो आ जाता है वी कॉस थीटा उसकी वैल्यू आ जाती है टू पॉइंट सेवन इंटू टेन एज टू पावर सेवन मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री बाई टू विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टू पॉइंट थ्री इंटू टेन एज टू पावर सेवन मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स बी डायरेक्शन इसको मैं बी कैप लिख देता हूँ जिस भी दिशा में हमारे पास बी था उस डायरेक्शन में ये आ गया अ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेलम होल्ड इन एक्सरसाइज इज यूनिफॉर्म इन अ स्मॉल रीजन यहाँ पर हमारे पास पता है थोड़े से रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट सेवन फाइव टेस्ला अब वो इधर भी हो सकता है पॉइंट सेवन फाइव टेस्ला या फिर इधर भी हो सकता है पॉइंट सेवन फाइव टेस्ला अभी देख लेंगे किधर होता है इन द सेम रीजन अम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सेस ऑफ द कॉयल ये रहा हमारा कॉमन एक्सेस इसके नॉर्मल अब वो या तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है सारे के सारे डायरेक्शन ये एक पूरा का पूरा प्लेन है उसमें किधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है मैंने मान लिया इस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है देखो डायरेक्शन से अभी फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं आपको पता चलेगा बीम ऑफ सिंगल स्पीसीज चार्ट पार्टिकल्स आर ऑल एक्सेलेटेड थ्रू फिफ्टीन किलो वोल्ट एंटर्स दिस रीजन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ एक्सेस ऑफ द काइल्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो एक्सेस ऑफ द काइल्स ए परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर तो हमारे पास इस दिशा में वी है अब इनके डायरेक्शन कोई भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता चल गया तीनों की तीनों चीजें हमारे पास परपेंडिकुलर आने वाली हैं तो देखते हैं अब क्या कैलकुलेशन करनी है इफ़ द बीम रिमेन्स अनडिफ्लेक्टेड वन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इतना मेक अ सिंपल गेस एज टू वॉट द बीम कंटेंट्स वाई इज द आंसर नॉट यूनिक यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड वो चली जा रही है तो सबसे पहली बात एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई यहाँ पर क्यू से क्यू कट जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो वेलॉसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के दिस इज वेलॉसिटी और राइट हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता है मैग्नेटिक फील्ड भी पता है तो हमें एक वेलोसिटी पता चल जाएगी तो इस रीजन में उस वेलोसिटी का कोई भी चार्ज पार्टिकल आप भेज दो वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा तो क्या मैं बता सकता हूँ वो चार्ज पार्टिकल कोई कौन सा था अरे यहाँ पे तो कोई सा भी भेज दो हमें अनडिफ्लेक्टेड ही चला जाएगा चार्ज पार्टिकल तो उस विलासिटी का यूज़ क्या होगा अब हमें देखना है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम एक्सलरेट करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को तो क्या वो वेलोसिटी जो आएगी वो इससे मैच करती है या नहीं तब हम शायद बता पाएंगे तो पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी चार्ज पार्टिकल को अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा शुड बी इक्वल टू चार्ज इन टू डेल्टा वी है ना ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप विच इज इक्वल टू फिफ्टीन किलोवोल्ट यहाँ से हम Q बाई एम की वैल्यू पता कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो अधिकतर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में आपने देखा होगा चार्ज बाय मास रेशियो बहुत आ, काम का होता है और किसी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसका हम अलग से ना चार्ज ना पाते हैं ना मास ना पाते हैं इतनी आसानी से तो इस रेशियो के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें पता कर लेते हैं अगर मुड़ा है नहीं मुड़ा है किस रेडियस में मुड़ रहा है तो ये सारी कैलकुलेशन के लिए क्यू बाई एम इंपॉर्टेंट हो रहा है लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट क्यू बाई एम जिसकी वैल्यू आ जाती है क्यू बाई एम इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन टू डेल्टा हुई वी स्क्वायर यहाँ पर विलॉसिटी है डेल्टा भी ये पोटेंशियल ड्रॉप है वी स्क्वायर की जगह मैं रख दूंगा ई e बाय तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है ई स्क्र अपॉन टू बी स्क्र डेल्टा हुई सारी की सारी वैल्यूज रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है नाइन इंटू टन पर माइनस फाइव इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कहता था फिफ्टीन थाउजेंड और मैग्नेटिक फील्ड का भी स्क्वायर है विच इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव का स्क्वायर न्यूमैटिकली एक सौ कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है फोर पॉइंट एट इंटू टेन रेसियो पॉल सेवन कूलम पर के जी चार्ज बाई मास हमारे पास आ गया अब हमें देखना है कि ये पार्टिकल है कौन सा पार्टिकल किस तरीके के होते हैं हमें गैस करना पड़ेगा राइट तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्रोटॉन हो सकता है ये दो पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है हीलियम प्लस प्लस हो सकता है कुछ भी पार्टिकल हो सकता है चेक करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो Q की जगह हम जो भी चार्ज की वैल्यू है वो रख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आप देखो Q की जगह अगर मैं चार्ज रख दूँ तो हमारे पास जो मास की वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली टू इंटू मास ऑफ प्रोटॉन करोगे उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है फोर पॉइंट एट इंटू टेन रिश्वप सेवन कूलम पर के जी तो हमारे पास चार्ज होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन का अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है और हमारे पास यहाँ पर वज़न होना चाहिए दो प्रोटॉन के आसपास या फिर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन वो हो सकता है तो हमारे पास एच प्लस आयन जो होता है वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो टू मास ऑफ प्रोटॉन नहीं होगा तो ये सही नहीं है क्या हमारे पास जो ड्यूटीरियम होता है, है ना वन एच टू प्लस क्या ये हमारा आंसर हो सकता है यस yes, ये हमारा आंसर हो सकता है इफेक्टिवली हमें क्या देखना है यहाँ पर टू है तो यहाँ पर प्लस वन है दो मास नंबर एक चार क्या ऐसे और पार्टिकल्स हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं अगर मैं यहां पर फोर कर दूँ इधर प्लस टू कर दूं तो क्या मेरे पास ये सेटिस्फाई करेगा इस सिचुएशन को यस yes करेगा क्या ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है देखो यहां पर मैं लिख दूँ हीलियम प्लस टू क्या ये हमें मिल जाएगा आंसर यस सिमिलरली मुझे फिर इसी रेशियो को मेंटेन करना है ना यहाँ पर मैंने इसको डबल कर दिया था इसको डबल कर दिया था क्या मैं इसको थ्री टाइम्स कर दूँ तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स और इस तरफ हो जाएगा प्लस थ्री यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ एल आई और यहाँ पर रख दूँ थ्री तो ये भी सेटिस्फाई करता है ये भी सेटिस्फाई करता है ये हमारी इस वैल्यू को रेशियो को सेटिस्फाई नहीं करता है इलेक्ट्रॉन भी नहीं करता है तो मेरे पास बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इस तरीके से और भी आप कहीं कहीं से ढूंढ ढूँढूंढ कर ला सकते हो पर आंसर इज़ नॉट यूनिक इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है अस्ट्रेट हॉरिजोंटल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ पॉइंट फोर फाइव मीटर एंड मास सिक्सटी ग्राम इज सस्पेंडेड बाई टू वर्टिकल वायर्स एट इट एंड ए करेंट ऑफ फाइव एम पेयर इज सेटअप इन द रोड थ्रू द वायर्स वॉट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर दैट द टेंशन इन द वायर इज ज़ीरो तो यहाँ पर देखो फोर्स कितना लगता है पहली बात तो इसके ऊपर नीचे की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा पूरे समय एम जी अगर हमें चाहिए कि यहाँ पर रस्सियों में टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर ऊपर की तरफ जो हमारे पास फोर्स लगेगा एफ मैग्नेटिक उसकी वैल्यू होनी चाहिए एम के बराबर एफ मैग्नेटिक कितना होता है अब मैं इसके परपेंडिकुलर ही किसी डायरेक्शन में है ना मैग्नेटिक फील्ड सेट करूँगा डायरेक्शन अभी मुझे नहीं पता पर मैग्नीट्यूड तो पता कर लेते हैं हम लिख देंगे बी आई एल शुड बी इक्वल टू एम जी यहाँ से B की वैल्यू आ जाती है एम जी अपॉन आई एल मास की वैल्यू है पॉइंट ज़ीरो सिक्स किलोग्राम ग्रेविटी की वैल्यू लेनी है नाइन पॉइंट एट हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है डिवाइडेड बाई करेंट की वैल्यू है फाइव एम्पेयर एंड लेंथ की वैल्यू है पॉइंट फोर फाइव मीटर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है पॉइंट टू सिक्स टेस्ला अब देखते हैं डायरेक्शन किधर होना चाहिए देखो यहाँ पर हमारे पास इस दिशा में करंट है तो मान लेता हूँ मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहे तो ये आपके लिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए ना ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए राइट हैंड पाम रूल है इस तरफ मोशन होता है इस तरफ फील्ड होता है तो इधर फोर्स लगता है यहाँ पर इधर मोशन है पॉजिटिव चार्ज का फील्ड मेरे को सेट करना है तो मैं फील्ड इधर उधर उधर किधर भी रख सकता था मैं इधर रखूंगा ताकि फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए अगर करंट इस तरफ है तो इनसाइड द प्लेन आ जाता है और आप देखोगे कि अगर करंट इस तरफ होता तो वो आ जाता आउटसाइड द प्लेन ठीक नेक्स्ट पार्ट वॉट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर अब मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है हमने करंट की दिशा बदल दी तो ये जो हमारे पास फोर्स लग रहा था वो नीचे की तरफ लगेगा और पहले ही एम लग रहा था और ये एम ऊपर की तरफ लग रहा था तो नीचे की तरफ टू एम फोर्स लग जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा पार्ट बी में हमारे पास टोटल टेंशन इज इक्वल टू एम जी प्लस बी आई एल विच इज इक्वल टू एम जी प्लस एम जी क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था बी आई एल का मैग्नीट्यूड एम जी के बराबर है और यहां से इसकी वैल्यू आ जाती है टू इंटू मास की वैल्यू पॉइंट जीरो न्यूटन और यही हमारा आंसर है द वायस विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी अ करंट ऑफ थ्री हंड्रेड एम्पियर फॉर ए रियली शॉर्ट टाइम वॉट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन द वायर्स इफ दे आर सेवेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अपार्ट तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछ लिया है फिर भी लेंथ दे दी है पर एक्चुअली इस लेंथ का हमारे कोई यूज होने नहीं वाला है, है ना और 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट है वायर पहली बात तो एक चीज़ समझो दोनों में करेंट उल्टे डायरेक्शन में होगा क्यों मान लो यहाँ पर रखिए हमारी बैटरी और यहाँ पर है हमारी मोटर इस तरीके से उसको घूमना है यहाँ से एक वायर जाएगा और दूसरा इस तरीके से वापस आएगा अगर करंट की वैल्यू बोली जाती है कि थ्री हंड्रेड एम्पियर है तो वो एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से वापस आएगा तो ये हमने ये चीज़ समझना जरूरी है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास करंट होता है तो जो फोर्स लगता है वो रिपल्सिव फोर्स लगता है सेम डायरेक्शन में करंट होता है वायर में तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगा रिपल्सिव फोर्स अब ये वायर है तो सेवेंटी सेंटीमीटर का पर हमें मानना पड़ेगा कि इन्फाइनइटली लॉन्ग वायर है तभी हमारे फॉर्मूले काम करेंगे तो इन्फाइनटली लॉन्ग है इस वाले वायर के कारण यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होता ही है और करंट है तो हमारे पास फोर्स लग जाएगा एफ इज इक्वल टू बी आई एल और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं रख दूंगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई और ये आई एल एज इट इज़ आ गया हमसे पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट आई स्क्वेयर अपॉन टू पाई डी वैल्यूज रखना शुरू करते हैं मीनोट की वैल्यू हो जाती है फोर पाए इंटू टेन रेस माइनस सेवन आई स्क्वेयर करंट की वैल्यू थी थ्री हंड्रेड तो थ्री हंड्रेड का स्क्वेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू पाए और डिस्टेंस की वैल्यू है वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर या फिर मैं इसको पॉइंट ज़ीरो वन फाइव मीटर लिख दूंगा यहाँ से ये कट जाता है इस तरीके से टू ये हो जाएगा हमारे पास नाइन्टी थाउजेंड और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है सिक्स अपॉन फाइव या फिर वन पॉइंट टू न्यूटन पर मीटर यही हमारा आंसर है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव टेस्ला एग्जिस्ट इन सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इट्स डायरेक्शन पैरल टू द एक्सिस अलॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट तो हमारे पास ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला डायरेक्शन है तो हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अ वायर कैरिंग अ करेंट ऑफ सेवन एम्पेयर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पासिस टू दिस रीजन नॉर्थ टू साउथ ये हमारे पास तार है अब देखो सिलेंडर है आप है ना सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन देखने की कोशिश करो क्रॉस सेक्शन है ये वायर का डायरेक्शन ये है लेकिन हमें ये थोड़ी बताया वो उसके ऊपर से निकल रहा है ना यहाँ पर देखो हो सकता है वो उसके सेंटर से पास करता हुआ ये यह यहाँ से पास कर रहा हो या उस सिलेंडर में से ही पास ना कर रहा हो तो वायर कहीं से भी हो सकता है हमें वॉट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इफ द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस यानी कि इस एक्सिस से ही निकल रही है गया तो ऐसे ही है है ना यहाँ पर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हैं हर एक केस में वो परपेंडिकुलर आएंगे लेकिन वो जो लेंथ है जितने लेंथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल सकती है जैसे अगर वो एक्सिस से पास होता है तो वाली लेंथ कितनी हो जाएगी टू टाइम्स आर ये है आर ये है आर तो हमारे पास पार्ट ए का जो आंसर हो जाएगा एफ इज़ इक्वल टू बी आई एल विच इज इक्वल टू बी आई इन टू आर वैल्यूज रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वन पॉइंट फाइव टेस्ला करंट की वैल्यू है सेवन एमपियर लेंथ की वैल्यू है टू इंटू पॉइंट वन रेडियस की वैल्यू थी कितनी पॉइंट वन मीटर यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा टू पॉइंट वन न्यूट्रन डायरेक्शन बताइए कैसे देखो इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हमारे पास करंट है तो करंट को हम पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव हो रहा है ऐसा मान लेंगे तो ये हमारा इस तरीके से पाम आ जाएगा राइट हैंड पाम रूल का नाखून आप यहां पर देख पा रहे हो तो फोर्स किधर लगता है ऐसे अंदर की तरफ लग जाएगा अगर आप इसको ऐसे देखो कैसे ऐसे इस दिशा में है ना ये जो पाम होता है पुश कर देना इस तरफ फोर्स लगता है तो यहाँ पर हमारे पास इनसाइड द प्लेन ऐसे में फोर्स आ रहा है जो कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये है तो अगर आउट ऑफ द प्लेन होता तो वो था अपसाइड और इनसाइड द प्लेन है यानी वो डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाता है दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स अब देखते हैं पार्ट बी द वायर इज टर्न फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट यहाँ है साउथ वेस्ट यहाँ है इस तरीके से हमने वायर को कर दिया है तो यहाँ पर भी हमारा वायर कुछ इस तरीके से हो जाएगा अच्छा वायर का अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है थीटा तो ये वाली लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है ना ये एंगल भी हो जाएगा हमारा थीटा टू आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा क्या मैं लिख सकता हूँ टू आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा और राइट हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा और यहाँ पर b की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे i की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे और l साइन थीटा को हम ज्योमेट्री से लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू टू आर इसको भी हम लाल कर देते हैं एल साइन थीटा को हमने लिख दिया है टू आर तो यहाँ से अगेन ये वैल्यू उतनी की उतनी ही आ जाएगी आप न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करोगे ये दिस विल अगेन कम आउट टू बी टू पॉइंट वन न्यूटन फिर से वर्टिकली डाउनवर्ड्स का डायरेक्शन अभी भी वही आएगा और ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है देखो ये ऐसे हो वायर ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो वायर की कोई भी आप वैल्यू किसी भी तरीके का ले लो हमेशा आंसर इतना आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि फोर्स में लगता है हमारे पास बी आई एल साइन थीटा और हम जानते हैं एल साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्री से टू आर के बराबर आ जाएगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इतना ही आने वाला है अब देख लेते हैं पार्ट सी द वायर इज इन द नॉर्थ साइड डायरेक्शन इज लोड फ्रॉम द एक्सिस बाई ए डिस्टेंस ऑफ सिक्स सेंटीमीटर तो अब वायर फिर से ऐसे कर दिया गया लेकिन अब वो एक्सिस से पास नहीं हो रहा है उससे थोड़ा सा नीचे कर दिया गया तो काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ ये मेरी आँख है मैं इधर से देख रहा हूँ यहाँ से मुझे इस तरीके से गोला दिखेगा पहले वायर ऐसा था अब वायर को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया गया है सिक्स सेंटीमीटर से अच्छा रेडियस था हमारे पास टेन ये भी रेडियस था टेन तो क्या मैं देखता हूँ कि ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से एट और एट अब हमारे पास जो फॉर्मूला था बी आई एल उसमें जो एल की वैल्यू यूज़ होगी वो ये वाली यूज़ होने वाली है हमारे पास आंसर आएगा फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल विच इज़ इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इंटू करेंट की वैल्यू है सेवन इंटू एल की वैल्यू है टू इंटू ये एट सेंटीमीटर उसको मैं लिखूंगा पॉइंट ज़ीरो एट मीटर यहाँ से आंसर आया था वन पॉइंट सिक्स एट न्यूटन डायरेक्शन आप फिर से चेक कर सकते हो सेम पहली बार की तरह आ जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स और यही हमारा आंसर है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ थ्री थाउजेंड गॉस यानी कि पॉइंट थ्री टेस्ला इज इस्टैब्लिश अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर कैरी इज अ करंट ऑफ ट्वेल्व एम्पियर वट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस इन फिगर तो हमारे पास छह केसेस हैं तीन यहाँ है, तीन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वट इज़ द फोर्स ऑन ईच केस पहली बात हमारे पास अगर क्लोज्ड लूप होता है फोर्स की वैल्यू आ जाती है टोटल ज़ीरो ऐसा क्यों होता है मान लो यहाँ पर इस पर कुछ फोर्स लग रहा है इस पर तो नहीं लगेगा इस वाले पे कुछ फोर्स लगेगा इस पर उल्टे डायरेक्शन में करंट है क्योंकि वो लूप है तो हमारे पास नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है खाली टॉर्क टॉर्क बचता है तो फॉर एनी क्लोज लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वैल्यू ज़ीरो आएगी छः के छः केसों में हमारे पास क्यूब सेम है लूप में करंट सेम है पर वो लूप है तो फोर्स जीरो आना है ये हमने अभी लिख दिया विच केस करस्पॉन्ड्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए और उसमें भी हमारे पास स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं चेक करने की कोशिश करते हैं कैसे सबसे पहले यहाँ पर देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इधर है और हमारे पास जो टॉर्क होता है वो आई इंटू ए क्रॉस बी अब यहाँ पर इसका किस सेंस में हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा तो वो यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से ये घूम रहा है अपने हाथ को लो ऐसे घुमाने की कोशिश करो उसकी दिशा में है ना तो यहाँ पर वो आपको ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा स्क्रीन पे ऐसे घूम रहा है यानी कि इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है ये मैंने बना दिया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट एम और राइट तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉर्क लगेगा देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह पर टॉर्क उसे इधर घुमाने की कोशिश करेगा और हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू आई इंटू ए करॉस बी और उसकी यहाँ पर नाइन्टी डिग्री का एंगल है तो वो आ जाएगा आई ए बी साइन थीटा यानी कि साइन थीटा की वैल्यू होने वाली है नाइन्टी डिग्री दिस विल टर्न आउट टू बी वन और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो करंट की वैल्यू है 12 एम्पियर एरिया की वैल्यू है पॉइंट वन इंटू पॉइंट जीरो फाइव मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट वन दिस टर्स आउट टू बी वन पॉइंट एट इन टू दैन इज माइनस टू न्यूटन मीटर ये हमारा आंसर आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क आ गया डायरेक्शन किधर है देखो हमारे पास इस दिशा में था मैग्नेटिक मोमेंट और उसको इस दिशा में घूमना होगा है ना मैग्नेटिक फील्ड अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश है तो उसको ऐसे घुमाना चाहेगा अगेन राइट हैंड रूल से ऐसे घुमा के देखो आपके केस में वो ऐसे घूमता हुआ आने वाला है कैसे आएगा ऐसे राइट right? यहाँ से इधर घूमेगा यानी कि टॉर्क इस तरफ आने वाला है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क माइनस जे कैप क्योंकि ये पॉजिटिव वाय था ये नेगेटिव वाय है या फिर माइनस जे कैप इसे हम लिख सकते हैं इस केस में देखते हैं इस केस में क्या है हमारे पास इस सेंस में देखो यहां पर भी सेंस ये था यहाँ पर भी सेंस ये है तो हमारे पास एग्जैक्टली exactly सेम इस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा फिर से सेम चीजें होंगी हमारे पास टॉर्क इस तरफ लग जाएगा टॉर्क वेक्टर ये भी था टॉर्क वेक्टर और मैं लिख सकता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू सेम एज ए विच इज इक्वल टू वन पॉइंट एट इंटू टेन स्क्वार माइनस टू न्यूटन मीटर और ये माइनस जे कैप डायरेक्शन पार्ट सी को देखते हैं हमारे पास इस तरीके से करंट घूम रहा है लूप में तो ऐसे अपने हाथ से घुमाने की कोशिश करो जो डायरेक्शन में करंट घूम रहा है उस सेंस में आप घुमाओगे तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है मैग्नेटिक फी मोमेंट इस तरफ आ रहा है एम मैग्नेटिक मोमेंट को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा तो टॉप का डायरेक्शन देखो इधर आ जाएगा आप अपने हाथों से कर सकते हो तो राइट हैंड से करना और हमारे पास ये डायरेक्शन आ जाएगा टॉप का मैग्नीट्यूड फिर से वही आने वाला है टॉर्क इज इक्वल टू वन पॉइंट एट इन टू टेन रेप माइनस टू न्यूटन मीटर ये आ जाएगा हमारा माइनस आई कैप डायरेक्शन में यहाँ पर देखो करंट ऐसे घूम रहा है लूप में तो हमारे पास राइट हैंड रूल्स ऐसे घुमाओगे तो आपको पता चलेगा ये जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक डायपोल का है यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आ जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये आपको अपनी तरफ अलाइन करने के लिए ऐसे घुमाएगा तो टॉर्क लगेगा यहाँ से यहाँ एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे घुमाने के लिए तो टॉर्क यहाँ से यहाँ जा रहा है राइट हैंड से आप देखो ये टॉर्क का ये डायरेक्शन आ जाता है और यहाँ पर आप देखो फिर से मैग्नेटिक फील्ड और हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है दोनों के बीच में अभी भी एंगल 90 डिग्री का ही है तो हमें कोई साइन थीटा कॉस् थीटा नहीं करना है हमारे पास मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही आएगा जितना पहले आया था टॉर्क इज इक्वल टू वन पॉइंट एट इन टू टेन पॉल माइनस टू न्यूटन मीटर डायरेक्शन इसका कितना हो जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन देखो यहाँ पर हमारे पास y एक्सेस है यहाँ पर ये इधर थर्टी डिग्री था तो ये भी हमारे पास थर्टी डिग्री होगा तो y एक्सेस से मैं लिख सकता हूँ इस तरफ थर्टी डिग्री लेकिन हम हमेशा मेजर कैसे करते हैं y से इस तरफ से मेजर होगा है ना एक्स वाई जेड एक्सेस में आप देखोगे तो ये होना चाहिए तो y से हमारे पास एक्चुअली आंसर आएगा वन एट्टी माइनस थर्टी यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ वन फिफ्टी डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सेस क्या मैं इसको एक्स एक्सेस से नाप सकता हूँ एक्स एक्सेस से मैं नापूँगा तो ये आ जाता है हमारा कितना थर्टी प्लस नाइन्टी यानी कि वन ट्वेंटी डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सेस अब आप इसको देखोगे तो हम एक्स एक्सेस से नापते थे तो एक्चुअली ऐसे नापते तो ये जो आया ये एक्चुअली माइनस में आएगा तो ये माइनस वन ट्वेंटी डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसी को मैं लिख सकता हूं थ्री सिक्सटी में से इसे माइनस कर दो तो हो जाएगा टू फोर्टी डिग्री प्लस का फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस पूरे में हमको और एक चीज लिखनी पड़ेगी ये सारी कैलकुलेशन द एक्स वाई प्लेन है ठीक इस केस में देखो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और ये यह यहाँ पर इस तरीके से लूप बना हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर मोमेंट भी इस तरफ हो जाएगा मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट अब यहाँ पर जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है तो यहाँ पर एक्चुअली टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ये फोर्स भी ज़ीरो था टॉर्क भी जीरो, जीरो ये एक इक्विलिब्रियम है और क्योंकि यहाँ पर देखो इसी दिशा में दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हमारे पास ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अब देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट यहाँ पर देखो ये इस तरीके से घूम रहा है तो आप अपना राइट हैंड लोगे और ऐसे घुमाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो नीचे की तरफ है एम और ये टॉर्क हमें इसको ऐसे लगाने के लिए लाने की कोशिश करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अलाइन करना चाहेगा लेकिन अभी ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो आ चुका है वन डिग्री तो एक्चुअली टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगी टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर भी जीरो होगी लेकिन ये अनस्टेबल इक्लेबियम है अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जाने की कोशिश नहीं करेगा बल्कि इस तरफ घूमने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं है इसीलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है यहाँ पर इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर दूँ तो उस पर टॉर्क इस दिशा में लगता है तो यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क है वापस ओरिजिनल जगह लाने की कोशिश करता है इसीलिए स्टेबल इस इक्विमी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अ सर्कुलर कॉयल ऑफ ट्वेंटी टर्न एंड रेडियस टेन सेंटीमीटर इज प्लेसड इन द यूफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट वन टेस्ला नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉयल इफ द करंट इन द कोयल इज़ फाइव एम्पेयर वॉट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कोयल तो देखो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था और इसमें बताया नहीं उन्हें करंट का डायरेक्शन क्या है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज मुझे दिख नहीं था लेकिन जो भी होगा उसके कारण जो हमारे पास मैग्नेटिक मोवमेंट आएगा वो या तो इस तरफ आएगा या फिर वो इस तरफ आएगा है ना आप उसको घुमाओगे तो या तो इधर होगा या फिर उल्टे डायरेक्शन में इधर होगा और वो है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है तो पैरल या एंटी पैरल तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी ए केस में टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी विच इज गोइंग टू बी ज़ीरो क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो और वन एटी डिग्री वॉट इज द टोटल फोर्स ऑन द कॉयल ये तो और भी आसान है हमारे पास क्योंकि क्लोज लूप है तो फोर्स की वैल्यू आ जानी है जीरो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि दिस इज अ क्लोज्ड लूप और पार्ट सी एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉयल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अब यही ट्रिकी हो गया हमारे पास पूरी की पूरी लूप में जो फोर्स होता है वो जीरो होता है लेकिन इसका मतलब नहीं है छोटे छोटे एलिमेंट्स पे फोर्स की वैल्यू जीरो है हो सकता है इन सभी पे इधर अंदर की तरफ फोर्स लग रहा हो तो सब पे अगर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट पे फोर्स जीरो नहीं है तो पता करते हैं मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो वहाँ पे घूम रहा है तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर्स की वैल्यू हो जाती है क्यू इंटू वी क्रॉस बी पहले तो देखते हैं क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसे घूम रहा होगा 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 इस पूरे प्लेन में वो या तो इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है कैसे भी ये घूमे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है तो हमारे पास हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर मैं इसको सीधे सीधे लिख सकता हूँ क्यू वी बी ओके अभी वेलोसिटी क्या है ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है कौन सी वेलोसिटी ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वी डी और यहाँ पर साइन ऑफ नाइन्टी डिग्री हम लिख देते हैं जिसकी वैल्यू आ जाती है वन वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट की वैल्यू होती है जे अपॉन एन ई जे की वैल्यू होती है आई डिवाइडेड बाय ए अपॉन एन ई सारी की सारी वैल्यू को मैं अगर यहाँ रख दूँ तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी क्यू एन टू आई अपॉन ए एन ई इन टू बी और यहाँ पर सारी के सारे मैग्नीट्यूड हम रखते जाएँगे चार्ज की वैल्यू होती है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिपोर्ट माइनस नाइनटीन हमें करंट दिया हुआ है फाइव एम्पियर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है पॉइंट वन टेस्ला डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा वाला एरिया है ये तो क्या वो ये वाला एरिया है नहीं ये वो एरिया है कंडक्टर का जिसमें हमें ड्रिफ्ट विलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर ऐसे कुछ ये वायर होगा उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये वो वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर मत कर देना है ना हमें क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से दिया हुआ है ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज़ करनी है टेन रेसियो पॉल माइनस फाइव एन की वैल्यू भी दी हुई है और टेन रिजपा ट्वेंटी नाइन और फिर से ई e की वैल्यू आ जाती है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिजपर माइनस नाइनटीन एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज़ तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसको न्यूमेरिकली आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाता है फाइव इंटू टेन टू और माइनस ट्वेंटी फाइव न्यूटन डायरेक्शन किधर होगा हो सकता है अंदर की तरफ हो, हो सकता है बाहर की तरफ हो डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है A solenoid 60 सेंटीमीटर long एंड ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर हैज़ थ्री लेयर्स ऑफ windings ऑफ 300 turns each. तो पहली बात तो यहाँ पर हम इफेक्टिवली एन कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास एन की वैल्यू होती है एन डिवाइडेड बाई जो एल होता है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लेयर्स इसकी वैल्यू आ जाती है टोटल नंबर ऑफ़ टर्नस हैं थ्री हंड्रेड पर लेयर नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है थ्री लेयर डिवाइडेड बाई हमारे पास लेंथ कितनी है की सिक्सटी सेंटीमीटर या इसको मैं पॉइंट सिक्स यहाँ पर बोल सकता हूँ ये आ जाता है नाइन थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्स विच इज इक्वल टू वन फाइव जीरो जीरो टर्नस पर मीटर और राइट अ टू सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ मास टू पॉइंट फाइव ग्राम लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट सेंटर यहाँ पे कहीं पर पे वायर है उसका अभी नहीं पता नॉर्मल टू इट्स एक्सेस ओके ये सोलेनॉइड का एक्सेस है उसके नॉर्मल ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है कैसे भी हो सकता है ठीक है बोथ द वायर्स एंड द एक्सेस ऑफ द सोलिनॉइड और इन द हॉरिजोंटल प्लेन ये हमारा हॉरिजोंटल प्लेन है तो ये देखो ये भी इधर ही होगी ये हॉरिजोंटल प्लेन में ताकि नीचे की तरफ उस पर एम जी वायर के ऊपर लग रहा है द वायर इज कनेक्टेड थ्रू टू लीड्स पैरल टू द एक्सेस ऑफ द सोलिनॉइड तो मेरे पास ये एक्सेस ऑफ द सोलिनॉइड के थ्रू ऐसे दो लीड्स हैं जिसके कारण अब इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो सकता है वॉट वैल्यू ऑफ करंट विद अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ सर्कुलेशन इन द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलिनाइट कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक चीज तो समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर होगा या इस दिशा में होगा करंट जो होगा वो उसके कंप्लीटली पेंडिकुलर uh, लग रहा है तो फोर्स या तो ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगने वाला है फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी बी आई एल और अब हम उसका सॉलिडॉइट का करंट रिवर्स करेंगे तो या तो फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा दो ही तरफ लग सकता है ना इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स है इस तरफ करंट है उनके परपेंडिकुलर या तो इधर या इधर लग सकता है अगर हमें उसको हवा में लटका के रखना है तो फोर्स ऊपर लगना होगा खैर वह उसमें बोला है कि द अप्रोप्रिएट सेंस ऑफ सर्कुलेशन हमारा मेंटेन कर लिया जाएगा तो हमें तो बस ये वाली वैल्यूज़ देखनी है बी की जगह मैं लिख सकता हूँ इस सॉलिनाइट के लिए बी का फॉर्मूला क्या होता है वो हो जाता है म्यूनॉट एन आई सोलेनॉइड इंटू आई ऑफ वायर है ना ये आई वायर इन लेंथ ऑफ वायर दिस शुड बी इक्वल टू एम जी मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बस सॉल्व करते हैं हमें सारी वैल्यू यहाँ पर पता है सिर्फ हमें आई सोलेनॉइड नहीं पता उसको हम पता कर लेंगे देखो यहाँ पर आई सोलिनॉयड की वैल्यू आ जाती है एम जी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन आई वायर लेंथ वैल्यूज रखते जाओ मास कितना है 2.5 ग्राम यानी टू पॉइंट फाइव ग्रामीण माइनस थ्री किलोग्राम जी की वैल्यू है 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू टेन एच टू वन माइनस सेवन एन की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर लिया वन फाइव जीरो जीरो मल्टीप्लाइड बाई करेंट इन द वायर इज सिक्स लेंथ इज इक्वल टू पॉइंट कितनी है टू सेंटीमीटर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया यहां से आप इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा और यही हमारा आंसर है अग्नविनो मीटर कॉयल द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करेंट ऑफ थ्री मिली एम्पियर हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इन टू ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज जीरो हमें वोल्ट मीटर बनाना है वोल्ट मीटर आइडियल होता है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है इससे हमें पता चलता है सीरीज में कुछ रेजिस्टर ऐड करना है इस तरीके से हमने कर दिया अच्छा मान लो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर है तो इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो होगा 18 वोल्ट का और इसमें से जो मैक्सिमम करंट हो सकता है वो है थ्री मिली एमपीयर तो यहाँ पर रजिस्टर कितना लगा होगा वीडियो को पॉज करो सॉल्व करो देखो हम लिख देंगे वोल्टेज जो हमें नापना है एटीन वोल्ट मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू होनी चाहिए करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और ये आर सीरीज तो उसको मैं आर जी प्लस आर एस इस तरीके से लिख दूंगा तो एटीन डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो जीरो थ्री ये जो थ्री मिली एमपेयर है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया इज इक्वल टू आर जी का रेजिस्टेंस है ट्वेल्व ओम प्लस आर एस यहां से इसकी वैल्यू आ जाती है आप देखोगे सिक्स थाउजेंड माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू आर एस विच इज इक्वल टू फाइव नाइन एट एट ओम इन सीरीज और यही आंसर है अ गैल्वेनोमीटर मीटर कॉयल हैज रेजिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन ओम एंड द मीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ फोर मिली एमपियर हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इन टू एन एम इटर ऑफ रेंज जीरो टू सिक्स एम पीयर तो हमें यहाँ पे एमीटर बनाना है तो शंट में एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते अब क्या होगा यहाँ से कुछ करंट जा रहा है वो करंट इधर और इधर दोनों में डिवाइड हो जाएगा लेकिन क्योंकि ये इस तरीके से पैनल में रखें तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है तो इन दोनों को इक्वेट करो वीडियो को पॉज करो सॉल्व करो देखो हमारे पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बराबर होगा तो मैं लिख सकता हूँ आई जी इंटू आर जी गैलवेनोमीटर के लिए इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस अब यहाँ पर आई एस मुझे नहीं पता मुझे पता है टोटल करंट जो मुझे चाहिए उसकी वैल्यू है सिक्स एम्पियर मैक्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू है फोर मिली एम्पियर तो आई एस को मैं बोल दूंगा आई माइनस आई जी यही वैल्यू रख देते हैं आई जी इन टू आर जी अपॉन आई माइनस आई एस इज इक्वल टू आर एस वैल्यू रखना शुरू करो आर एस की वैल्यू आ जाएगी आई जी की वैल्यू कितनी है गैल्बन मीटर के अक्रॉस फोर इंटू टेन एज फॉर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टोटल करंट चाहिए सिक्स माइनस आई एस की वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो फोर टाइम्स आर एस जिसकी वैल्यू है फिफ्टीन फो यहाँ पर इसको आप अप्रोक्सीमेटली मान लेते हो अब सिक्स में से इतना सा आप नंबर गायब करोगे तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप 4 into 10 minus 3 upon 6 ही बोल दो, multiplied by 15, which turns out to be ohm, या फिर आप इसको लिख सकते हो टेन मिली ओम और यही आंसर है। इसी के साथ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इंक्लूडिंग द एडिशनल एक्सरसाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो क्रैशअप पे डोनेट कर सकते हो लिंक सर इंडर डिस्क्रिप्शन या फिर आप इस क्यू कोड को स्कैन कर सकते हो आपकी इस डोनेशन से आने वाली कई जनरेशन तक बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलने वाला है और हम मिलेंगे अगले वीडियो में